स्वागत है आप सभी का एक फिर से नए ब्लॉग में। तो मैं बहुत दिन से वीडियोस नहीं बना रहा था, क्यों पता नहीं लग रहा था, थोड़ा रुक सा गया था और समझ नहीं आ रहा था कि क्या कंटेंट ड्रॉप करूं, आगे क्या करूं, कुछ मतलब कंटेंट मिल ही नहीं रहा था मेरे लिए। मतलब अब समझ सकते हो आगे क्या करूं क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था और थोड़ा सिचुएशन भी हैंडल नहीं हो पा रहा था, तो इस वजह से मैं ड्रॉप नहीं कर पा रहा था, शूट भी नहीं कर पा रहा था। तो अब आ गए वापस यूट्यूब पर, तो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। तो अभी मतलब 3-4 महीने से मैंने वीडियो शूट किया ही नहीं, लिटरली यार इतने मंथ तक कौन करता है, मतलब छोड़ो यार, लेट इट बी, अब आगे ध्यान देते हैं। तो बेसिकली मैं ये बता रहा था कि आज इसलिए शूट कर रहा हूँ कि मेरा मन हो रहा है कि आज ब्लॉग करते हैं, मतलब एक अलग से आता है ना फील, की वाइब्स आते हैं कि आज करना है कुछ, मतलब गुड वाइब्स, समझ रहे हो ना। तो इस वजह से मेरे को लगा कि क्यों ना शूट करा जाए, और रीज़न ये था कि मैं बहुत दिन से वीडियो शूट नहीं कर पा, एक्सक्यूज़ क्या भी दूँ यार, मतलब समझ नहीं आता। तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। सो फिलहाल तो सुबह के 10:30 बज रहे हैं, और तो मेरा जो काम वगैरह था वो मैं फिनिश कर लिया हूँ, मतलब जो काम रहता है सुबह के घर में इधर उधर का वो ख़त्म कर लिया हूँ, और अभी जस्ट थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करूँगा, उसके बाद देखते हैं, अगर मौसम ठीक रहा तो ही बाहर जाएंगे, नहीं तो जब मानसून आता है तो उसके वजह से कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ ट्रैवल करें, कहाँ क्या वीडियो ड्रॉप करें, कैसे शूट करें, मतलब घर में रहो भीगने का भी मन नहीं करता, इस वजह से घर में भी क्या मतलब क्या भी बनाएं, क्या कंटेंट ढूंढें, ये कुछ समझ नहीं आता। इसलिए अब सोच रहा हूँ कि घर में कुछ देखते हैं, तो एंड तक देखना वीडियो, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थोड़ा बाहर आया था कुछ काम से मेरे फ्रेंड के साथ, मुझे थोड़ा पनीर छोड़ना था, तो अभी तो मैं घर जाऊंगा। बाहर थोड़ा सर्दी भी हो रखा है, मौसम की वजह से थोड़ा मेरा आवाज़ भी थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो अभी तो मैं घर जाऊंगा और देखता हूँ, थोड़ा सा लंच वगैरह करूंगा, तो अभी घर जाते हैं, देखते हैं क्या सीन होगा वहाँ, क्योंकि बाहर तो घूम नहीं सकते, और थोड़ा बॉडी भी थोड़ा वीक हो गया, थोड़ा हाथ भी पेन कर रहा है, क्योंकि कल थोड़ा सा ओवर हो गया था वर्कआउट, तो आज थोड़ा सा कम करूँगा। तो अभी घर जाते हैं, देखते हैं क्या सीन होगा आगे, क्योंकि बाहर तो जाना अब हो नहीं सकता, मौसम भी मौसम के ऊपर कोई भरोसा है नहीं, तभी तो घर जाते हैं देखते हैं, तो आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अब यहाँ तो पॉज नहीं कर सकता, क्योंकि हर बार ऐसे ही होता है मेरे साथ, थोड़ा सा बढ़ाता हूँ फिर वीडियो रोक देता हूँ, मन नहीं करता, तो अभी आगे जाते हैं देखते हैं क्या सीन होगा। तो अभी तो घर जाएंगे फिलहाल और देखते हैं क्या होगा आगे। जनरली जब भी पानी गिरता है, मतलब मानसून का जब भी सीज़न आता है, तो आजकल जो गाड़ी है ना वो थोड़ा कीचड़ों की वजह से ना गंदी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो अभी तो फिलहाल मैं अपना गाड़ी धोऊंगा और देखते हैं क्या होगा, फटाफट से गाड़ी धो लेता हूँ और नहा लेता हूँ, उसके बाद मैं अपना लंच लूँगा, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो बतानी है, इतने दिन से मैं ब्लॉग्स नहीं डाल रहा था, इतने मंथ से मैं वीडियोज़ नहीं डाल रहा था, तो उस बारे में कुछ बातें करनी है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं गाड़ी धो लेता हूँ फटाफट से और नहा लेता हूँ, उसके बाद फिर मिलता हूँ, तो तब तक देखते रहो, एंजॉय करो। और तो अभी जस्ट मैं खा के बाहर निकला था, और मेरे फ्रेंड का कॉल आया था कि चल थोड़ा बाहर से आते हैं, कुछ काम है वो करते हैं, तो बाहर जा के आता हूँ पहले। बाय द वे मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, छोटे छोटे कराने थोड़े, तो अभी जाते हैं इनके पास और देखते हैं आगे क्या होगा, बिकॉज यहाँ से ब्लॉग कंटिन्यू करना ही पड़ेगा मेरे को किसी भी हालत में, तो आगे तक ज़रूर देखना और लाइक ज़रूर कर देना। तो अभी जस्ट मैं मार्केट आया था, और यहाँ मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो घर जाना पड़ेगा, तो फटाफट से यहाँ सामान ले लेते हैं और निकलते हैं, देखते हैं यहाँ क्या होगा, बस बारिश ना गिरे होप रहे, नहीं तो वापस से फिर घर में जाओ, और घर में कुछ कंटेंट बनता नहीं और लाइट भी चले जाता है, तो ये देखते हैं क्या होगा। तो बाय द वे एक बात मेरे जहन में आई है कि
मेरे जो इस फ़ोन की जो क्वालिटी है ना, माइक्रोफोन क्वालिटी, वो बहुत गंदी है। मतलब मेरी जो वॉइस है वो कैप्चर नहीं करती है, आगे पीछे की वॉइस कैप्चर करती है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इसको तो इसको थोड़ा रिपेयर करना पड़ेगा। होप सो माइक मुझे लेना पड़ेगा, और लेना पड़ेगा कॉज वॉइस क्वालिटी थोड़ी तो बिल्ड करनी पड़ेगी, तो इस वजह से अब देखते हैं आगे। अभी भी आप सुन रहे होगे कि मार्केट पीछे की वॉइस आ रही है, मेरी बहुत कम आ रही है, और पता नहीं क्यों ऐसा। ओके, सो वीडियो का मेन मुद्दा ये था कि मेरे जो वीडियोस है वो लगभग 2-3 मंथ्स के बाद आए, तो रीज़न ये था कि मेरा जो मूड था वो बनाने का बहुत उतर गया था। बहुत लोग बोल रहे थे कि तू वीडियोस क्यों नहीं बनाता, वीडियोस लाओ, ये करो वो करो, मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे थे बीच में। तो इस वजह से आज मैं स्टार्ट किया हूँ, और बहुत लोग बोल रहे थे कि तू वीडियो बनाना छोड़ दिया है, ये कर दिया वो। तो पहली बात तो मैं वीडियो बनाना छोड़ नहीं दिया था, बस थोड़ा सा भूल गया था कि हाउ टू स्टार्ट अ व्लॉग, कैसे व्लॉग स्टार्ट करें। तो बस आज स्टार्ट हो गया है, तो अब तुम्हारा भाई रुकेगा नहीं, बनाएगा। तो और मेन चीज़ मेरे वीडियोस में कंसिस्टेंसी होती नहीं है, मतलब बहुत कम होती है, लगभग 2-3 वीक के बाद एक वीडियो ड्रॉप करता हूँ मैं। तो अब से मेरे से जितना होगा, जितना जल्दी होगा, मैं उतना जल्दी ड्रॉप करूँगा वीडियोस। और से रुकते हैं, वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर, शाम भी हो गई है। और मौसम की बात कर रहे थे कि पानी गिरेगा, लेकिन आज गिरा नहीं पानी। अच्छा है कि 2-3 दिन और ना गिरे, तो और वीडियोस मैं ला सकूँ। तो होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, इफ़ यू डिड डू लाइक शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो। और ये एक नोटिफिकेशन वीडियो था, समझ लो कि अब से वीडियोस आएंगे और लगभग आते रहेंगे, जितने जल्दी हो मेरे से, मैं वीकली डालते रहूँगा। और हो सके तो कमेंट ये बताना कि डेली ब्लॉग करना सही रहेगा या नहीं। तो वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब कर देना बस। सो पीस।